सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और जानते हैं क्या, ये जो सितंबर का मंथ होता है ना, ये बहुत काम का महीना होता है। इस महीने के खत्म होने से पहले आपको बहुत सारे काम निपटाने हैं, ठीक है। अगर ये काम आपने नहीं किए तो बहुत मुश्किल हो सकती है। यस, तो चलिए फटाफट से आपको बता देती हूँ कि इस महीने आपको क्या क्या करना इंपॉर्टेंट है। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। सितंबर के महीने में कई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल नियमों में बदलाव होने वाले हैं। ऑलराइट, ऐसे में उनकी जानकारी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सितंबर का मंथ बीतते बीतते कई जरूरी काम निपटाने बहुत जरूरी हैं, नहीं तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। खामखा क्या फायदा है ना, तो कर ही लीजिए वो काम। वेल, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट काम है 30 सितंबर तक 2000 रुपए के बचे हुए जो नोट है ना आपके पास, उनको बदलने का। आरबीआई ने पहले ही बता दिया था कि सितंबर के महीने की 30 तारीख तक ही 2000 के नोटों को बदला जा सकता है। ऐसा नहीं करने वालों को आगे परेशानी हो सकती है। अब आप वो डिसाइड कर लीजिए खुद ही। 2000 रुपए के नोटों को बदलने की जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर 2023 को खत्म हो जाएगी। मैंने तो पहले से आपको इन्फॉर्म कर दिया है। ऐसे में आप बैंक की छुट्टियों की जो लिस्ट है ना, वो भी चेक कर लीजिए जल्दी से, और अपने 2000 के जो नोट है उनको अपने पास में जो भी बैंक की ब्रांच है आपकी, उसमें जाकर आप बदल लीजिए। ऐसा नहीं करेंगे तो 30 सितंबर के बाद आप ही को परेशानी होगी, क्योंकि वो नोट चलने तो वाले हैं नहीं। या फिर सीधे सीधे मैं आपको कहूँ ना, तो आपको इसका भारी नुकसान होगा। क्या फ़ायदा यार, कर लो ना। इसके अलावा अगर आप अपना आधार कार्ड मुफ्त में यानी फ्री में अपडेट करना चाहते हो, तो आपको ये काम हर हाल में कब तक करना है जानते हो? 14 सितंबर 2023, नोट कर लो, डायरी अगर है आपके पास, पेन है, 14 सितंबर 2023, ऑलराइट। UIDAI ने 14 सितंबर तक फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन तय की है। पहले जो फैसिलिटी थी वो 14 जून तक थी, लेकिन इसको बढ़ा के 14 सितंबर कर दिया गया। नेक्स्ट इज कि अगर आपने डीमैट खाते में नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है ना अब तक, तो ये काम भी जल्दी से कर लो। डेडलाइन बता देती हूँ, 30 सितंबर 2023 इसका आखिरी डेट है, उससे पहले इसको पूरा कर लो, वरना आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आप SBI की वीकेयर स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ऐसा आप सितंबर महीने तक ही कर सकते हो। इस खास स्कीम में इन्वेस्टमेंट की डेडलाइन है 30 सितंबर 2023, क्योंकि इसके बाद ये खत्म हो जाएगी। वेल, आपको बता देती हूँ कि SBI की इस योजना का जो फायदा है ना, वो सिर्फ सीनियर सिटीजन ही उठा सकते हैं, तो आप सबको इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वेल, आपको बता देती हूँ कि इस योजना के तहत ना, सीनियर सिटीजन को आम लोगों के कंपैरेटिवली 5 साल और उससे ज्यादा के वक्त के लिए 7.5% तक का ब्याज मिलता है। नेक्स्ट इज पैन और आधार कार्ड लिंक करने का मामला, जिसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया है। देखिए, अगर कोई नागरिक इस महीने के आखिर तक पैन आधार को लिंक नहीं करता है ना, तो सितंबर महीने के बाद यानी 1 अक्टूबर 2023 से उसका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। मतलब मुझे तो जल्दी से ही कर लेना चाहिए, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस हूँ इन मामलों में। ओके, सो अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो इसका असर आपके डीमैट अकाउंट पे भी पड़ जाएगा। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये पेंडिंग काम जल्दी से जल्दी निपटा लो। ऑलराइट, वैसे हर महीने की आखिरी तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों की भी समीक्षा करती हैं। अब ऐसे में अगस्त के महीने के आखिर में आने वाले त्योहारी मौसम को अगर देखें, तो इसमें राहत देने का ऐलान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो लंबे समय के बाद सितंबर महीने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव देख सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि सरकार के पास पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करने का विकल्प भी मौजूद है। अगर वो ऐसा करती है, यानी सरकार ऐसा करती है, तो इससे फेस्टिवल सीजन के बीच में देश के मिडिल इनकम लोग जो है ना, उनको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाया जा सकता है। सरकार ने LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत का भी ऐलान कर दिया है। अब CNG और PNG के जो कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए होप्स बढ़ गई हैं कि उनको भी सितंबर महीने में राहत मिलेगी। आने वाले फेस्टिवल सीजन में कंज्यूमर्स पे दबाव कम करने के लिए सरकार इनकी कीमतों में नरमी का ऐलान कर सकती है, विच इज रियली गुड, नो? अब द बिग बेंच में बैठ के सोचने वाली बात यह है कि ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो काम आपको बताए हैं, अगर आपने सितंबर खत्म होते होते ये नहीं किए ना, तो आप ही को परेशानी होगी बॉस। इसलिए समय बिल्कुल नहीं गंवाना है और फटाफट से अपने काम कर लेने हैं, है ना? वेल, आप इस बारे में क्या करोगे और कितनी जल्दी आप ये सारे काम निपटा रहे हो, हमको कमेंट्स करके बता दो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को जल्दी से प्रेस कर दो। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज, कीप वॉचिंग द बिग बेंच, बैठ के सोच।